ओके okay, तो अब जो आप आज जो क्लास है हमारी वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की करने वाले हैं हम स्टार्ट एंड गाइस जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको तो जरूर शेयर कर दीजिए आप क्योंकि ये क्लास जो है ना आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना आप ऐसे कह लो कि भाई आप जैसे कहीं पर कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हो ना श्री गणेश जब करते हैं ना जैसे कुछ नया स्टार्ट किया तो उस टाइम पर जो सब्जेक्ट आपको जैसे ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम है या ई वालों के लिए मैं कह लूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है बिकॉज आई विल मतलब मैं आपको फिर से वही चीज़ कहूँगा रिपीट करूँगा कि भाई अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे की चीज़ें कैसे पढ़ोगे तो बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल क्लियर होना तो है ही है इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना लोग कि यार पहले फंडा क्लियर करो अपना तो फंडा क्लियर करने का मतलब है बेसिक फंडा क्लियर करना है अपने को तो बेसिक फंडामेंटल्स कहाँ से क्लियर होगा बेसिक चैप्टर से जो आपको एक आपका एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करेगा एक फाउंडेशन बनाएगा जो आपके आगे वाले चैप्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड रादर देन आगे के लिए इम्पॉर्टेंट है या ना नहीं है वो तो बात की चीज़ है पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड्स हो गए आपका बीजेटी हो गया आपके जेफेट्स uh, हो गए Uh, फिर आपके जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी गैप्स वगैरह कुछ टॉपिक ऐसे जो टॉपिक बड़े सेंसिटिव से हैं वो सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं एंड आई अश्योर यू गाइज कि अगर आप ये पूरा लेसन कवर करते हैं आज जो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा खुद का तो मैंने काफ़ी पढ़ाया हुआ है और मुझे पता है कि लोगों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे कहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं इस चैप्टर में ठीक है तो Uh, सबसे पहले तो मैं देख लू कितने बच्चे आ गए हैं उनको पहले वेलकम कर दिया जाए अंदर आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर क्लास ओके सो है इज द सो so, अब आ गए बच्चे गुड आफ्टरनून स्वाति गुड आफ्टरनून नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कंप्लीट uh, हो गया है आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कल लास्ट लेसन था हमारा और अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं गुड आफ्टरनून सौम्य गुड आफ्टरनून शाश्वत गुड आफ्टरनून परमार गुड आफ्टरनून प्रभात ओके सो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास बच्चे आ गए जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे अभी फिर से बच्चे जुड़ते जाएंगे हमसे और आप लोग अपना शेयर वगैरह बंद मत करो यार आप बताते रहो कि हाँ क्लासेज जो हैं स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि मैं हर ईच क्लास में जितनी भी क्लासेस होती हैं हर लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर जब होता है तो आई एक्सपेक्ट कि मोर देन लास्ट लेक्चर से तो ज़्यादा बच्चे अब वाले लेक्चर में आए एंड अगर ये रेशियो कम हुआ तो डेफिनेटली मेरा जो मोटिवेशन है वो गिर जाएगा एंड देर आफ्टर क्लासेज जो हैं वो थोड़ी सी कम हो सकती हैं तो ये चांसेस आपको क्रिएट नहीं करने दे रहा है आपसे मेरा मेरे लिए बस एक ही रिक्वेस्ट होता है हमेशा कि आप और बच्चों को बताइए जिनसे उनका बेनिफिट हो और हमारा भी हो ठीक है चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जाए हैं जा रहे हैं हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि आपको लिखा हुआ है टाइटल में एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले तो ये समझें कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म क्या डिनोट करता है देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गए आप पर आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म का डेफिनेशन क्या है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिफाइन क्या करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म जो है वो दो टर्म से बना है एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा है मैकेनिक्स ठीक है इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स इज इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैकेनिक्स एक्चुअली यहां पे क्या डील कर रहा है देखो इलेक्ट्रॉन आपको पता है चार्ज है मैकेनिक्स भी आपको पता है मैकेनिक्स यूजुअली जो है वो स्टैटिक किसी पर्टिकुलर चीज़ की जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे हमें क्या पढ़ना होता है भाई हमें पढ़ना होता है कि भाई कई कि किसी चीज़ को हम आ, किसी चीज़ बॉडी का स्टैटिक मूवमेंट कैसा होगा डायनेमिक मूवमेंट कैसा होगा डायनेमिक दा, स्टेट कैसा होगा फिर इनर्शिया क्या होगी मतलब ओवरऑल अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे सब पढ़ना है कि वो किस तरीके से बिहेव करता है उसका मूवमेंट कैसा है उसका कंसंट्रेशन कितना है मतलब जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वो सब हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंदर कवर करने वाले हैं तो आप इस चीज़ को समझिए कि पहले तो हम इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स आज के टाइम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट uh, सा ब्रांच uh, क्रिएट हो गया एक uh, बहुत ही वैल्यूएबल ब्रांच क्रिएट हो गया और धीरे धीरे ये ट्रेंड में आते जा रहे हैं जिसका नाम है मेकाट्रॉनिक्स आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इतना डेवलप हो चुका है कि आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं हो या उसके घर में नहीं हो किसी तरीके से अछूता नहीं रह गया कोई इंसान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से हर इंडस्ट्री जितने भी इंडस्ट्रीज हैं मैं चाहे मेडिकल इंडस्ट्री की बात करूं चाहे मैं डिफेंस इंडस्ट्री की बात करूं चाहे मैं अपने इलेक्ट्रिकल uh, इंडस्ट्री की बात करूँ हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है क्योंकि इन्वेंशनस इतने ज़्यादा हो रहे हैं मोडिफ़िकेशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं नए नए डिवाइसेज़ आ रहे हैं हर दिन और इन नए डिवाइसेज़ के यूज़ इतने ज़्यादा हैं देखो अगर आपको याद हो अगर आप नाइन्टीज़ में नाइन्टीज़ बॉर्न होंगे मोस्ट प्रॉब्लली जितने आप यह, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो सब नाइन्टीज़ बॉर्न हैं और मुझे पता है कि आप लोग जब आप लोग uh, स्टार्ट करा होगा आपने अपना अपना लाइफ स्टार्ट करा हो तो उस टाइम पे कोई एलईडी पैनल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी या फिर गाड़ियों में आपने कभी एलईडी लाइट्स नहीं देखी होंगी या एलईडी आते ही नहीं था उस टाइम तो पर आज के टाइम में देखो सब कुछ एल ई से रिप्लेस हो गया चाहे टी की बात करें चाहे गाड़ी की लाइट्स की बात करें चाहे हम आ, अपने घर के लाइट्स की बात करें कहीं भी यूज़ कर रहा है तो एल यूज़ हो रहा है एंड एल एलईडी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है ठीक है तो आप ये समझिए कि आपको मैं कैसे बताऊं कि कितना एडवांसमेंट आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आखिर यह एडवांसमेंट क्यों आ रहा है और क्या रीज़न है कि व्हाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स को मतलब इतना ज़्यादा यूज करने का क्या रीज़न हो सकता है देयर आर वेरी बहुत सारी रीजन है देयर आर मेनी रीजन्स जो हमें ये करने को कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करो आपको याद होगा कि एक टाइम पे क्या होता था हमारे पास फ़ैन रेगुलेटर्स होते थे तो फ़ैन रेगुलेटर्स में क्या होता था कि हम बड़ा सा बॉक्स आपको दिखता था अपने घर में आज वो बहुत छोटा सा फ़ैन रेगुलेटर रिप्लेस हो गया है आपको पता होगा कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे बड़े बड़े टीवीज होते थे टीवी इतने बड़े बड़े होते थे वो सब रिप्लेस हो गया छोटे छोटे से मोबाइल्स छोटे से।, से बड़ा हो गया पर आप ये देखो कि आज के टाइम का मोबाइल किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से कम नहीं है यू डोंट इवन नीड अ लैपटॉप की आपको अगर कोई मेजर काम करना हो तो यू कैन डू विद योर स्मार्टफोन स्मार्टफोन हो गया फोन तो है ही नहीं आजकल uh, हर इंसान जो है स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है तो ये सब एडवांसमेंट कहाँ से है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो एडवांसमेंट है उसी का रिफ्लेक्शन है कि भाई आज हम इतने सारे डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग आर वर्क मतलब कंप्लीटेड वर्क जो है हमारा बहुत इजीली कंप्लीट हो जा रहा है एंड वी आर गेटिंग यूज टू दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो आपको ये समझना होगा कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज क्यों बढ़ रहा है तो वो सारा फंडा जो है आपका यहीं से क्लियर होगा ठीक है क्रिंकू आप क्लास uh, में रेगुलर नहीं है श्योर सुमित आई गन टीच पावर सिस्टम एंड आई विल डेफिनेटली टीच पावर सिस्टम टू यूज और अभी अभी तो फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं फिर आगे हम ज़रूर पढ़ेंगे पावर पावर सिस्टम को और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी रिंकू आई एम गुड गुड आफ्टरनून अनुराधा जी प्लीज़ प्रोवाइड असाइनमेंट फॉर बेसिक इलेक्ट्रिकल यू कैन आस्क फॉर द असाइनमेंट इन ग्रुप यू नो यहाँ पे तो मैं नहीं दे सकता ग्रुप में आई कैन गिव यू वहाँ पे आप याद दिला देना आई विल गिव यू दसाइनमेंट वट एवर आई हैव जितना भी असाइनमेंट या है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा ठीक है चलिए तो अब देखिए स्टार्ट करते हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स और मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स मटेरियल्स कौन कौन से कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ठीक है तो ये सारे इन सब का क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं अब देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लेट से मैं आपको ये बता दूँ पहले कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इतना यूज जो है या सेमीकंडक्टर इतना पॉपुलर क्यों हो गया कंडक्टर इंसुलेटर तक तो ठीक था देखो कंडक्टर का और इंसुलेटर का इस्तेमाल हम ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा करते हैं अगर पावर सिस्टम में बात करो तो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं कंडक्टर्स बहुत जगह इस्तेमाल आपको पता ही है जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है वो बिना कंडक्टर्स के बनेंगे नहीं और इंसुलेटर्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम सेफ़्टी अपने आप को सेफ रख सकें उस पर्टिकुलर डिवाइस से जिसमें हमने करंट दिया है उससे कोई ऐसा बॉडी ना आ जाए या उससे कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन ना हो जाए तो उस कनेक्शन को बचाने के लिए हम लोग इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई कंडक्टर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स ये तीन टाइप के मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे आपके डेली लाइफ में कंडक्टर और से इंसुलेटर तो बहुत ज़्यादा मिलेगा पर अब सेमी कंडक्टर उससे भी ज़्यादा मिलेगा क्यों क्योंकि ये डिवाइस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इन लास्ट फ्यू ईयर्स लास्ट फ्यू ईयर्स भी नहीं कहूँ लास्ट डिकेड लास्ट डिकेड में इतना ज़्यादा फेमस हुआ है आखिरी के दस सालों में अगर आप देखेंगे तो ये सेमी कंडक्टर डिवाइस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और उसका क्या रीज़न है कि वो फेमस हुआ है तो मैं इसको तीन कैटेगरी में ऐसे बना रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों फेमस हुआ है देखो ये जैसे लेट से कंडक्टर है ये हमारा इंसुलेटर है और ये हमारा सेमी है अब आपको ये पता है कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी या कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है कंडक्टर है ऑलरेडी नाम ही इसका कंडक्टर है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा ये हम ऐसे कह लें कि रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एंड दिस इज़ बाई कि इंसुलेटर जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे भी मुझे सेफ़ रखना हो अपने आप को किसी करेंट या किसी वोल्टेज शॉक से बचाना हो तो हम अपने आप को बचाने के लिए इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारे अलग डिवाइसेज जहाँ पर भी इस्तेमाल है इसका सेमी कंडक्टर डिवाइसेज जो हैं इनका जो रजिस्ट इनकी जो रजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती तो इसका मतलब ये बीच का आदमी है मतलब ये कोई ऐसा डिवाइस है जो इससे कम रेजिस्टिविटी का है और इससे सॉरी इससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी का है और इससे कम रेजिस्टिविटी का एलिमेंट पर आखिर ऐसा फ़ायदा क्या है इसमें कि ये डिवाइस इतना पॉपुलर हो गया तो आप देखो मैं ये कहूँगा कि कंडक्टर में क्या है कि लेट से कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मुझे पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें बॉन्डिंग जो है बॉन्डिंग तो है पर इतनी डिफिकल्ट बॉन्डिंग नहीं है इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं मैं इसको एक काउंटिंग दे दे रहा हूँ लेट से कि एक लाख इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं आप आपको ये पता होगा इंसुलेटर्स में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो लेट से कि मैं कह रहा हूँ पाँच इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे यार इससे कम और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है तो मैं इसको कह दे रहा हूँ कि भाई एक हज़ार इलेक्ट्रॉन्स हैं अब मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ कि भाई लेट से कि ये हमारा तीन स्टेट है या तीन कंट्रीज़ है हमारे पास और इन तीन कंट्रीज़ में हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो इतनी 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 तो आपको ये पता है अगर आपसे पूछा जाए या मेरे से पूछा जाए कि भाई आप कौन से स्टेट में रहना चाहोगे तो देखो मैं ये कहूँगा भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे यार मेरा रहना थोड़ा सा मेरे लिए सही नहीं है या फिर मेरे को लेट्स से कि मेरे को राजा बना दिया गया और मैं से कहा गया कि आप इन तीनों में से किसको चूज़ करोगे तो आई विल से आई विल गो विद दिस सेमी कंडक्टर उसका रीज़न क्या है कि मैं यहाँ पे देखूंगा यार यहाँ पे सफिशेंट नंबर ऑफ लोग हैं अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है अपना एग्जिस्टेंस दिखाया जा सकता है एंड और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं तो आई विल गो विद दिस सेमी कंडक्टर तो मेरे कहने का एक तात्पर्य ये है कि भाई आप जब मैंने इस आ, स्टेट को सेलेक्ट किया या इस कंट्री को सेलेक्ट किया तो मेरा ये था कि भाई मैं यहाँ के लोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ देखो इसको तो और भी अच्छे से कर सकता हूँ पर करें क्या इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत थी क्या पांच ही लोग हैं अब पांच में से एक राजा ही बन जाएगा तो उसमें क्या क्या मतलब है उसको उसमें तो आपका कोई फायदा ही नहीं दिख रहा तो मैंने इसीलिए इसको डिनाई कर दिया और इसमें बहुत ज़्यादा थे इसीलिए इसको डिनाई कर दिया तो मैं इस इसमें जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं यहाँ पे सही फिट हूँ और मेरे को यहाँ पे कंट्रोल करना आसान होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अच्छा होगा तो मैं कहूँगा कि भाई इस हज़ार की जो हज़ार इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इसको कंट्रोल करना आसान है तो एक्चुअल में क्या है सेमी कंडक्टर डिवाइसेज में इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होते हैं और लेट से कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जिनको कंट्रोल करना आसान होता है अब अगर आपके पास किसी का कंट्रोल मिल जाए अगर आपके पास किसी का कंट्रोल मिल जाए तो आप डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो अगर मेरे को यहाँ का राजा बना दिया जाए तो मैं कहूँगा कि भाई इस स्टेट को यहाँ से उठा के यहाँ रखो इस स्टेट का नाम चेंज कर दो इनमें हज़ार लोगों में से दस सौ लोगों को आर्मी में भर्ती कर दो सौ लोगों को इधर फेंक दो तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसको टोटली totally कंट्रोल कर सकता हूँ और अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ तो इन दोनों के अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये आई कि भाई मैं यहाँ पे इन हजार इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को कंट्रोल कर सकता हूं और अगर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं तब आप ये समझो कि आप वहां पे डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हो इसी वजह से बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेज आए हमारे पास यहां पे देखो यहाँ पे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहां पे कंट्रोल कर सकते हैं एंड दैट इज वाई दिस डिवाइस इज गेटिंग पॉपुलर डे बाई डे मोर पॉपुलर डे बाई डे ठीक है ना तो ये एक रीजन है कि हम सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है ओके चलिए फिर देखते हैं हम इसके बाद कि भाई सेमीकंडक्टर और इनका रेजिस्टिविटी या किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंसुलेटर्स की तो इंसुलेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इंसुलेटर्स की बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी की टर्म्स में रेजिस्टिविटी अगर मैं कहूँ तो रेजिस्टिविटी जो होती है इसकी ये लाई करती है टें टू कोई क्वेश्चन है आपका ए के लिए पढ़ाया होता तो क्लियर हो गया होता अब तो ए चला गया ए एल के बाद की बात करें अब तो अच्छा होगा टेन टू द पावर टू टेन टू टेन टू द पावर ट्वेल्व ओम सेंटीमीटर होता है ठीक है देखो रेजिस्टिविटी जो होता है इंसुलेटर का वो टेन टू द पावर टेन टू टेन टू द पावर टूएल्व ओम सेंटीमीटर मैंने रेजिस्टिविटी लिखा है इसीलिए मैंने यूनिट जो है वो ओम सेंटीमीटर कंसिडर किया है इसके बाद हम बात करें कि एग्जाम्पल कौन सा होगा सर इंसुलेटर में जो पॉपुलर इंसुलेटर्स हैं वो हमारे हैं मिक्का क्वाड्स पॉर्सेलिन ठीक है ये सब हमारे पॉपुलर इंसुलेटर्स हैं और अगर मैं बात करूं इसके एनर्जी बैंड गैप की एनर्जी बैंड गैप क्या होगा तो एनर्जी बैंड गैप देखिए एनर्जी बैंड गैप होगा इसका ग्रेटर देन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब बात ये आ गई कि ये एनर्जी बैंड गैप क्या होगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाकी चीजें तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी और एग्जांपल्स तो एज आप कहीं भी आप मिल जाएगा आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें ये कि भाई एनर्जी बैंड गैप क्या होता है कि इसको हम कहते हैं फॉर बिडन एनर्जी गैप फॉर बिडन एनर्जी गैप फॉर बिडन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड ऐसी जगह जहाँ पे आप अलाउड नहीं है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो ग्रेटर देन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अब इस चीज़ को हम समझेंगे बहुत डिटेल में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये शुरुआत है इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने की हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है और अगर इस धीरे 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 जो हर एक पॉइंट्स आएंगे जैसे ये सबसे बेसिक फंडा है और ये आपको समझ में आना चाहिए ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी जो हम ये फॉरबिडन एनर्जी गैप पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही सूक्ष्म बात है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे की चीजें समझनी है ठीक है तो हम बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप की अब देखो मैं अगर बात कहूँ मैं ये कहूँ कि भाई हमारे पास हमारे पास जो है देखो मुझे ये पता है कि मेरे पास कोई आइटम है लेट से कि कोई भी आइटम है तो उसके मुझे ये पता है कि आइटम्स के अंदर क्या होता है एटम्स के अंदर होता है हमारा प्रोटोन और न्यूक्लियस सॉरी न्यूट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन ठीक है ना एटम में एक सबसे अंदर में न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है अब मुझे पता है कि यहाँ पे डिफरेंट और वाइटल्स होते हैं ये मैं आपको केमिस्ट्री थोड़ा सा बता रहा हूँ और हर और वाइटल्स जो होता है हर ऑर्बिटल का अपना अपना एनर्जी बैंड होता है एनर्जी बैंड कहने का मतलब कि भाई सबसे अंदर वाले न्यूक्लियस में से अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज आपको निकालना है तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फिर आपको अगर इनर मोस्ट को निकालना है तो उसको उसको निकालने के लिए भी सबसे ज्यादा और एनर्जी देनी पड़ेगी जैसे जैसे मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स के अलग अलग एनर्जी बैंड्स हैं तो मैं कहूँगा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका अलग एक एनर्जी बैंड होगा और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं क्या कहते है? किसको? जो होते हैं वैलेंस ये हमारे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं तो अब इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जिस भी सेल में होंगे वहां से निकालने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि भाई ये बाउंडेड है किसी एटम में अब इसको मुझे बाहर निकालना है या इसकी एनर्जी को बताने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस बैंड।, बैंड इस एनर्जी को टर्म में मैंने लिखा है बैलेंस बैंड अब आपको ये पता है मेरे पास एक टर्म आ गया बैलेंस बैंड मतलब जो आउटर मोस्ट बैंड है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है या मैं ऐसा कह लूं कि वैलेंस बैंड से मुझे किसी एनर्जी को बाहर निकालना है तो वो एनर्जी जो है वो बैलेंस बैंड एनर्जी के लाएगी ठीक है अब बैलेंस बैंड हो गया सिमिलरली अब मुझे ये पता है कि भाई बैलेंस बैंड से निकालना ही एक काम नहीं होगा मुझे इसको मूव मुझ भी कराना है मूव कराना है और मूव कराने के लिए मुझे कुछ और एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये खुद से मूवमेंट में आ जाए और जब ये मूवमेंट में आ जाएगा और कंडक्ट करने लग जाएगा आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन तो वो जो जिस बैंड में भी जाएगा उस बैंड को हम लोग कहेंगे कंडक्शन बैंड तो दो बैंड हो गए अब आपको ये पता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है ठीक है तो इसके बेसिस पे अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि वैलेंस बैंड में मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन था उसको भेजना पड़ा मुझे कहाँ कंडक्शन बैंड में ताकि वो क्या करे कंडक्ट करे तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस बैंड से निकाल के कंडक्शन बैंड भेजने के लिए मुझे कुछ एनर्जी डिलीवर करनी पड़ेगी तब जाके ऐसा कोई प्रोसेस हो पाएगा और अगर ऐसा कोई प्रोसेस होता है तो उसको मैं बताता हूं अब आपको कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से इसको दिखाते हैं। समझ में आ रही है ये चीज आपको कोई क्वेश्चन है आपका इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द कॉमन मैं अभी आपको बता रहा हूं पूरा समझ तो लो चलो देखो ये है हमारे पास अब देखो ये वाला पार्ट जिसको मैंने कहा कंडक्शन बैंड ये हमारा है कंडक्शन बैंड और ये हमारा है वैलेंस बैंड अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पे बहुत सारे हैं और इसमें से मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेजना है किसी एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं कि आउटर मोस्ट सेल में कितने भी हो सकते हैं आठ से ज़्यादा नहीं होंगे तो लेट्स कि आठ में से किसी एक को भेजना है कोई एक ऐसा आइटम है जिस पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ है और आठ में से किसी एक को मुझे कंडक्शन बैंड में भेजना है तो देखो तो यहां से यहां भेजने के लिए मुझे एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और मुझे ये पता है कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट और उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं फॉर Forbidden energy, forbidden एनर्जी एनर्जी ठीक है कंडक्शन बैंड हमारे ये. अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसका टर्म दिया हुआ है आपको पता है कि मैंने अभी लिखा कि इंसुलेटर का फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो ग्रेटर देन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फोर्स जो है आप लिख, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा तो आप फोर्स को लिखते थे क्यू इन टू ई क्यू क्या है यहां पे? चार्ज 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 uh, और हम भेजना किसको चाह रहे हैं कौन सा किस चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है मैंने इसको लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स क्यू की जगह लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक ये जो ई e है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल का वोल्टेज आपको पता है वोल्ट होता है तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहा हूँ तो देखिए ये जो मैं बात कर रहा था फॉरबिडन एनर्जी गैप की मैंने कहा पाँच इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पाँच इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली में क्या है एक फोर्स है कि भाई आप इसको उठा के जब यहां भेजोगे तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और वो फोर्स हमारा कितना है कि भाई पांच इलेक्ट्रॉन उसको हमने एक टर्म एक यूनिट दे दी कि भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम काउंट करेंगे देखो तो भाई बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इंसुलेटर्स में दूर दूर होते हैं और इसके बीच में जो एरिया होता है उसको हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं फॉरबिडन गैप का मतलब है कि आप इस एरिया में नहीं घुस सकते मतलब आप एंटर तो कर सकते हैं पर एंटर करने के लिए जरूर किसी की परमिशन चाहिए होगी या फिर किसी का आपको सोर्स इंडिया में वो क्या लगता है क्या कहते हैं भाई जुगाड़ जुगाड़ लगवा के कहीं जो है तो जुगाड़ चाहिए होगा कि आपको यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को पहले तो यहाँ लाना होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी अगर सफिशेंट है अगर आपका जुगाड़ बढ़िया है तब तो हम इसको कंडक्शन बैंड में भेज देंगे तो इंसुलेटर्स में मैंने जब कहा कि ग्रेटर देन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को मुझे भेजने के लिए कंडक्शन बैंड में फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसी को मैंने कह दिया कि फॉर एनर्जी गैप जो होता है वो ग्रेटर देन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरबिडन इलेक्ट्र फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है ठीक है चलिए इसके बाद कोई क्वेश्चन है आपका प्लीज ट्राई टू मेक क्लास इन इंग्लिश यार आई कैन ट्राई टू मेक क्लास आई ट्राई टू डिलीवर क्लास इन इंग्लिश बट प्रॉब्लम ये है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड हिंदी ओनली एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स और फ्यू स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड इंग्लिश सो आई कैनॉट डिलीवर द लेक्चर इन बोथ द लैंग्वेज एज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी difficult in the sense ki bhai how can i uh, used to manage how can i complete the syllabus if i would, uh, try if i if i will deliver the lesson in both the languages then it will be difficult for me ki cover hum kaise kare in pure syllabus ko jo itna lamba syllabus hai which i have to complete by uh, deadline ek deadline hai mere paas us tak complete karne ke liye main kaise aapko dono languages mein padha to इट इज़ क्वाइट देखो मैं पढ़ाना तो चाहता हूँ आई वॉन्ट टू टीच यू एवरी जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको पढ़ाना चाहता हूँ एंड दैट इज़ वाई एक जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है कि भाई आप लोगों को लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको यही कह सकता हूँ कि थोड़ा समझने की कोशिश करो कॉपरेटिव बनो थोड़ा सा थोड़ा कॉपरेट करो एंड uh, जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो टर्म्स टेक्निकल टर्म्स हैं देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेजेस फॉर दीज टर्म्स ये टर्म्स चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हों ये टर्म यही टर्म्स रहेंगे ठीक है चेंज नहीं हो रहे तो आप लोग इसको समझिए ठीक है अभिषेक सिन्हा ये डेमो क्लास नहीं है ये क्लास है एक्चुअली में ये क्लास रो, रोज लगेगी आपको इसी टाइम पे अगर आपको अटेंड करना है तो डेफिनेटली आइए आप लोग ठीक है समझ में आ गया ये चलिए तो अगर समझ में आ गया तो इसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमने इंसुलेटर का देख लिया तो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को याद रखना कि भाई इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप जो होता है इंसुलेटर का फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है फॉरबिडन इंसुलेटर्स का फॉरबिडन एनर्जी गैप एफ ई जी लिख रहा हूँ मैं ये कितना होता है ग्रेटर देन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक इस चीज़ को आप याद रखें इसके बाद हम आते हैं सेमी कंडक्टर्स पे ठीक है सॉरी सेमी कंडक्टर्स पर नहीं पहले आएंगे कंडक्टर्स पे इंसुलेटर्स देख लिया हमने कंडक्टर्स पे कंडक्टर्स क्या होगा हमारा कंडक्टर पे अगर हम आते हैं तो ये आपको इसका अगर रेजिस्टिविटी मैं बताऊं तो रेजिस्टिविटी इसकी होती है टेन टू दावर माइनस फोर टू टेन टू दावर माइनस सिक्स ओम सेंटीमीटर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है कंडक्टर्स गोल्ड आ गए सिल्वर आ गए सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो हमारा किसका होता है कॉपर और एलमुनियम का तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर्स के और अगर बात करें हम सेमी तो ये है इसके अलावा अगर एनर्जी बैंड गैप की बात करें फॉरबिडन एनर्जी गैप एफ ई जी तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स में मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी एनर्जी की कि भाई मैं उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं और कंडक्ट कर रहे हैं तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है और इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है कंडक्टर और इंसुलेटर का वो ओवरलैप करता है क्या करता है ओवरलैप करता है मतलब कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है ठीक है एक दूसरे के ऊपर है और ऊपर है तो भाई यहाँ पे कोई एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो एनर्जी गैप या तो ज़ीरो कह लो आप या फिर ऐसा कह लो कि ओवरलैप करता है ठीक है तो कंडक्टर्स में मैं लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली नहीं इक्वल टू ही लिख सकते हैं, आपकी जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ठीक है कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ओवरलैप करता है और बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स ठीक है बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं अब इसके बाद हम आते हैं सेमी पे क्योंकि पूरा चैप्टर जो है हमारा वो बेस्ड है सेमी कंडक्टर पे ठीक है देखो सेमी कंडक्टर रेजिस्टिविटी अगर हम देखें सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी देखें तो सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी होती है टेन टू दी पावर टेन टेन टू इसको हम कह लें टेन टू टेन टू द पावर टू ओम सेंटीमीटर ठीक है ये हमारी रेजिस्टिविटी होती है सेमी की एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पॉपुलर जो है आपको पता है कि सिलिकॉन है जर्मीनियम है इसके अलावा हमारे पास और भी सेमीकंडक्टर्स हैं जो हम मिक्स करके बनाते हैं गैलियम आर्सेनाइड हो गया इंडियम फॉस्फाइड हो गया ठीक है इंडियम एंटीमोनाइड हो गया ठीक है सिलिकॉन जर्मेनियम तो आपने सुना होगा उसके अलावा कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स भी हैं जो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया इंडियम फॉस्फाइड इंडियम एंटीमोनाइड ठीक है तो ये कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं और अगर एनर्जी गैप की बात करें फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है इनका तो इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है अप्रॉक्सीमेटली वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप जो है वो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम का 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गैलियम आर्सेनाइड का 0.1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो अप्रॉक्सीमेटली ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है ठीक है तो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर, क्योंकि हमने अब डिटेल में पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या हैं अलग अलग जो सेमीकंडक्टर जो उसमें भी अलग टाइप्स हैं और टाइप्स के अंदर भी टाइप्स हैं जैसे इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक के अंदर भी दो टाइप्स हैं तो वो सारे सेमीकंडक्टर्स अब हम पढ़ेंगे उस और आपको मैं बताऊं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए जैसे ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने सुना हुआ है और आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में ये करेंट्स होते क्या हैं तो हम जब अभी धीरे धीरे सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करेंगे पहले हमने क्या किया सेमीकंडक्टर्स की स्टडी कर ली अभी हम सेमीकंडक्टर्स को जान गए कि भाई इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है कौन कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं एंड एनर्जी गैप कितना होता है देयर आफ्टर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे टाइप्स के बाद हम क्या करेंगे जब अलग अलग टाइप्स पढ़ लेंगे तो हम मॉडिफिकेशन करना चालू कर देंगे हम क्या करेंगे दो सेमीकंडक्टर्स को मिला देंगे और देखेंगे कि अब क्या बना ठीक है फिर हम उसी सेमी में अलग अलग और मॉडिफिकेशन करेंगे और नए नए सेमी पढ़ेंगे जैसे आपको पता हो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ जैसे हमारे पास दो टाइप के सेमी कंडक्टर हैं इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक अब इंट्रेंसिक एक, हमारा प्योर सेमी कंडक्टर होता है एक्सट्रेंसिक हमारा इमप्योर सेमी कंडक्टर होता है तो एक्सट्रेंसिक के दो टाइप्स हैं पी टाइप और एन टाइप फिर हम क्या करते हैं जब पी टाइप और एन टाइप हमारा बन जाएगा तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक सेमीकंडक्टर या एक सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है बनाते हैं ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड या पी डायोड सिंपली डायोड कहते हैं फिर हम क्या करते हैं ऐसे दो लेयर हमने फैब्रिकेट किए थे अभी पी को किया एन को किया अब हम क्या करेंगे किसी एक और लेयर को फैब्रिकेट कर देंगे यानी पी एन पी तो हमारा बन जाएगा ट्रांजिस्टर फिर हम क्या करते हैं और मॉडिफिकेशन किया हमने अभी जो एडवांसमेंट हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ फिर पी एन पी एन एक और लेयर लगा दिया चार लेयर का डिवाइस बना दिया तो हमारा बन गया थायरिस्टर तो इस तरीके से एडवांसमेंट करते हुए जाएंगे लेकिन बेसिक जो है वो हमारा सेमीकंडक्टर है तो इसको समझना इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि भाई जब दो सेमी को अलग अलग सेमी को हमने फैब्रिकेट किया और जो डिवाइस बना वो कैसे वर्क करता है तभी जाके आप ये समझेंगे कि तीन अलग अलग लेयर्स को जब ऐड किया तब वो कैसे वर्क करेगा वो तो बाद में समझेंगे तो इस तरीके से आपका बेसिक फॉर्म होना चाहिए कि आप छोटी चीजों को लेते हुए आगे बढ़ो ठीक है यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एग्जाम किस मंथ में होगा देखो ना तो मैं आरआरबी का कोई चेयरपर्सन हूं ना मेरे को इतना कोई आइडिया है कि भाई आरआरबी आर का कोई लिंक हो मेरे अंडर में कि तो मैं आपको बता करके बता देता पर मेरा एस्टिमेशन इतना है कि भाई एग्जाम्स जो हैं अगर सी बी टी वन की बात करो तो सी बी टी वन जो है जून या जुलाई में होगा और सी बी टी टू की बात करें तो वो सेप्टेंबर अक्टूबर सेप्टेम्बर में इस तरीके से एग्ज़ाम होंगे आपके ठीक है अगर जून जुलाई में कंडक्ट हो जाता है तब तो सितंबर में हो जाएगा सीबीटी बी वन अगर जून जुलाई में होता है तो CBT 2 सितंबर टू सेप्टेम्बर अक्टूबर में नहीं होगा अगर CBT 1 वन डिले होता गया उतना ही डिले आप फिर मान लो कि सी बी टी टू में भी होगा तो अभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास टाइम है सी बी टी टू के लिए टाइम है कंटेंट अभी आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ और अभी से पढ़ना चालू कर लो क्योंकि अगर आप अभी नहीं पढ़ते तो आप ये मान लो कि उन सी बी टी वन के बाद टाइम गैप जो होगा बड़ा कम होगा मतलब वो रिज़ल्ट निकालेंगे और रिजल्ट निकालने के बाद ही एक महीने बाद ही एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे तो आपका प्रिपरेशन जो है वो पहले से हो जाना चाहिए सी बी टी टू के लिए एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पता है इस चैनल पे जो हैं या फिर यूजुअली जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए नॉन टेक्निकल पोर्शन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका टेक्निकल पोर्शन तो स्ट्रांग है लेकिन नॉन टेक्निकल नहीं है तो नॉन टेक्निकल स्ट्रांग कर लो आपके लिए नॉन टेक्निकल स्ट्रांग करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा मुझे पता है टेक्निकल के जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी इंटेलेक्ट होते हैं उनका माइंड जो है अच्छा होता है तो वो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं एंड देर आफ्टर आप अपना सिलेबस जल्दी भी कम्प्लीट कर लेंगे पर आपको दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलना होगा बैलेंस करके ले जाना होगा देन तभी आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे अभी आपका फोकस डेफिनेटली सी बी वन के लिए होना चाहिए पर आपकी प्रिपरेशन एक घंटे या दो घंटे जो है आपका टाइम सी बी टी टू के लिए भी होना चाहिए अगर आपको कहीं से लगता है कि सी बी टी वन ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस वीक है तो भाई पहले तो उसको स्ट्रांग करो और स्ट्रांग तब होगा जब आप सी बी टी वन का कंटेंट प्रिपेयर कर लेंगे तो सी बी टी वन का कंटेंट प्रिपेयर करके फिर आप सी बी टी टू पर आ जाना ठीक है टाइम है आपके पास डेफिनेटली बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यही सोच के बैठ जाओ कि अभी नहीं करेंगे बाद में ही करेंगे ठीक है हाँ अखिल टाइम इंक्रीज करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे टाइम इंक्रीज चलिए तो आपको सेमी का ये तीन आप स्क्रीन ले लो इसका एंड अब हम आते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या हो सेमीकंडक्टर्स के टाइप क्या होते ठीक है देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इसमें दो टाइप्स हैं इंट्रेंसिक, ठीक है और दूसरा हमारा है एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर क्यों क्योंकि भाई इसमें हम कोई मिलावट नहीं करते शुद्ध है कोई मिलावट ही नहीं हुआ तो शुद्ध है और ये इतना शुद्ध है कहा जाता है कि ये इतना प्योर है कि वन पार्ट मिला हुआ है टेन टू पावर एट बिलियन पार्ट्स में मतलब इसको मैं आप इसको आप पूरा मत समझो इंपॉर्टेंट नहीं है समझना बस ये समझ लो कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो है प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें कोई भी डोपिंग या कोई भी मिलावट कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो रखा इंट्रेंसिक अब देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि इंट्रेंसिक प्योर है या एक्सटेंसिक प्योर है तो मैं बताऊँ एक्सटेंसिक का मतलब एक्सटर्नली एक्सटर्नल external से कुछ ऐड किया गया मतलब एक्सटेंसिक से आता है ना वर्ड एक्सटर्नल external. तो एक्सटर्नली जब कुछ ऐड कर दें कुछ दूसरे आइटम से ऐड कर दें तो जो सेमी कंडक्टर है वो हमारा इमप्योर सेमी कंडक्टर यानीसिक सेमी कंडक्टर मिलता है ठीक है तो एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर हमारा ये अब हम आते हैं कि एक्सटेंसिक के कौन कौन से टाइप हैं तो एक्सट्रेंसिक के दो टाइप हैं एंड दे आर एन टाइप एंड पी टाइप इतना आप सबको पता होगा ठीक है अब आते हैं कि भाई एन टाइप हम कैसे बनाते हैं देखो तो इंट्रेंसिक के बारे में थोड़ा सा पहले जान ले कि प्योर है तो क्या क्या इसकी इसके फीचर्स हैं और का एक, एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस पर तो पहली चीज तो ये कि इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जो है वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है एट जीरो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एट जीरो केल्विन या ऐसे कह दें कि माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस द इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जीरो केलबिन पे कौन सा सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ऑप्शन में वहां पे आपको गिवेन होगा इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक पी टाइप एंड टाइप तो आप यहाँ से तुरंत बता देना भाई इंट्रेंसिक सेमी जो है हमारा वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है एट केल्विन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एज एन इंसुलेटर ठीक है पहली बात तो ये हो गई इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे अब प्योर सेमीकंडक्टर का अगर एग्जाम्पल ले लें तो प्योर सेमीकंडक्टर भाई आपको पता है सिलिकॉन को ले सकते हैं जर्मीनियम को ले सकते हैं एंड देखो गैलियम आर्सेनाइड हमारा प्योर ही कहा जाता है प्योर के अंदर कैटेगरी इसको कैटेगराइज करते हैं क्योंकि ये हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है इस सेमीकंडक्टर को इंडियम फॉस्फाइड ठीक है इन सबको हम लोग एक्सट्रिंसिक के अंदर डालेंगे फर्दर हम गैलियम आर्सेनाइट फॉस्फाइड एक सेमीकंडक्टर मिलता है जिससे हम एलईडी बनाते हैं तो गैलियम आर्सेनाइट फॉस्फाइड जो है हमारा वो एक्सट्रिंसिक सेमी हो जाता है गैलियम आर्सेनाइड जो होता है हमारा वो इंटरेंसिक सेमी की कैटेगरी में आता है ठीक है सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में आपको पता है अब कुछ चीजें कि भाई एनर्जी गैप इन दोनों का कितना होता है वो जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इन दोनों का एनर्जी गैप भी पूछते हैं और थोड़ा सा एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए तो एनर्जी गैप के बारे में अगर बात करें तो एनर्जी गैप अगर सिलिकॉन का देखें एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन फॉर फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं फॉर सिलिकॉन ये होता है हमारा वन पॉइंट टू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है फॉर जर्मेनियम ये होता है हमारा जीरो पॉइंट सेवन एट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं पे एग्जाम एक, एक बार पूछा गया है इसके लिए भी गैलियम आर्सेनाइड का गैलियम आर्सेनाइड का होता है वन पॉइंट वन फोर वन पॉइंट फोर टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है तो ये हमारा कहाँ पे और ये सब हमारा कहाँ पे है एट जीरो केल्विन ठीक है इस चीज को याद रखना है आपको कि ये जो हमारा एनर्जी गैप दिया हुआ है ये एट 0 केल्विन ठीक है थेके? जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ईजीओ e से ई जी ओ ठीक है ये याद रखिएगा ये जो मैंने आपको बताया है ये हमारा ईजीओ e है एनर्जी गैप एट जीरो केल्विन ठीक है एनी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे आपका ठीक है तो ये हमारा एनर्जी गैप हो गया एट जीरो केल्विन लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए एनर्जी गैप एट टेम्परेचर टी क्या होगा तो ये भी आप याद रखिए एनर्जी गैप एट एनी टेम्परेचर एनी टेम्परेचर लेट से कि की टेम्परेचर टी है ठीक है तो इसको निकालने के लिए अगर मैं बात करूं फॉर सिलिकॉन तो फॉर सिलिकॉन के लिए हम लोग एनर्जी गैप लिखते हैं देखो एनर्जी गैप जो है होता है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं इजी एट टी ठीक है किसी टेम्परेचर टी पे एंड ये जो गिवन होता है वो होता है 1.21 पॉइंट टू वन माइनस थ्री पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस फोर इन टी या सिर्फ मैं इसको टी लिख दे रहा हूँ अगर जर्मेनियम की बात करें फॉर जर्मेनियम तो फॉर जर्मेनियम ईजी एट टी जो होता है वो होता है हमारा जीरो पॉइंट सेवन एट फाइव माइनस टू पॉइंट टू थ्री इंटू टेन टू वन माइनस फोर इंटू टी वे टी इज देश टेम्परेचर है टी जो है टेम्परेचर है इन केलविन टेम्परेचर इन केलविन इस चीज को याद रखना है आपको सेमी कंडक्टर में जब भी बात करेंगे हम तो केल्विन के बारे में कहीं पे भी टी लिखा हुआ है तो आप याद रखना आप ये समझ जाना कि जो भी हम टेम्परेचर लेने वाले हैं वो केल्विन में लेंगे डिग्री सेल्सियस में बात नहीं करते हैं यहाँ पे ठीक है तो टेम्परेचर इन केल्विन ये होगा हमारा गैप ये किसी टेम्परेचर टी पे अगर एग्जाम में कभी पूछ दे कि भाई इस टेम्परेचर पे बताओ कि एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन क्या होगा तो ये फार्मूला यूज़ करना है आपको सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर रख देना और टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन ये गलती नहीं करना आपने कि उसको आप डिग्री सेल्सियस में रखें तो टेम्परेचर केलविन में अगर डिग्री सेल्सियस में है तो पहले केलविन में कन्वर्ट करो और अगर केलविन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट पुट करो पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही आपका उस टेम्परेचर पे एनर्जी गैप होगा सिलिकॉन का या अगर जर्मेनियम के लिए करना है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि भाई बताओ 300 हंड्रेड कैलविन पे या रूम टेम्परेचर पे हमारा एनर्जी गैप क्या होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होगा ये फार्मूला आपने याद रख लेना है वैसे अगर नहीं तो याद नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं एग्ज़ाम में अगर आ गया तो फिर देखो छूट तो जाएगा पर एग्जाम में रेयरली रेयरली पूछा जाएगा इस पर तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूछेगा जो एनर्जी गैप एट रूम टेम्परेचर ईजी एट रूम टेम्परेचर पूछा जाता है रूम टेम्परेचर विच इज कंसिडर्ड एज 300 हंड्रेड या हम कह सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस ठीक है ना तो 27 डिग्री सेल्सियस पे ईजी फॉर सिलिकॉन अगर सिलिकॉन के लिए बारे में बात करें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन फॉर सिलिकॉन ठीक है और इजी अगर बात करें फॉर जर्मेनियम तो ये होता है 0.72 पॉइंट सेवन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसीलिए फॉर जर्मेनियम ठीक है ये एनर्जी गैप होता है इस चीज को आप याद रखेंगे सिलिकॉन के लिए रूम टेम्परेचर पे कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितना है 0.72 इलेक्ट्रॉन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर पे एनर्जी गैप सिलिकॉन और जर्मेनियम का कितना है तो एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है इंपॉर्टेंट है ठीक है टेक वन एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने आप एग्जाम्पल लेके देख लो अगर मैंने कहा ना कि ईजी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो आप मेरे से कोई कह रहा है कि टेक वन एग्जाम्पल एंड द नेम इज स्वप्निल ठीक है स्वप्निल देखो क्या है जो मैंने फार्मूला लिखा ना अभी 1.21 पॉइंट टू वन माइनस थ्री पॉइंट सिक्स टू दर माइनस फोर और मैं कह रहा हूँ कि t जो है हमारा कितना है ये इजी ऑफ t के लिए फार्मूला बताया था ना इंटू टी तो t मैं कह रहा हूँ t इज 300 हंड्रेड तो 300 रख लो थ्री हंड्रेड यहाँ पर रख के जब कैलकुलेट करेंगे हम इसको तो ये वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली आएगा ठीक है ये आप कैलकुलेशन कर लो एक्जैक्टली exactly इतना आएगा ठीक है तो ईजी एट टी अगर आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं समझ गई ये चीज़ चलिए इसके बाद हम आते हैं इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर्स के कुछ और एग्जाम से रिलेटेड पार्ट पे अभी हम इंट्रेंसिक की बात कर रहे हैं इंटरनसिक की ही बात कर रहे हैं ये सब मैंने जब सिलिकॉन बोला तो सिलिकॉन का मतलब प्योर प्योर सेमीकंडक्टर था जर्मेनियम बोला तो प्योर सेमीकंडक्टर था तो अभी हम सिर्फ इंटरनसिक की बात कर रहे हैं एक्सट्रेंसिक पे नहीं आए इंटरनसिक में एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ होल्स को हम पी से डिनोट करते हैं और दूसरी ये चीज कि जितने ये दोनों इक्वल हैं लेट से कि सौ इलेक्ट्रॉन्स है तो सौ होल्स है और इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं इंट्रेंसिक सेमी का चार्ज कंसेंट्रेशन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन आई से ठीक है ये हमारा एन आई जो है ये क्या डिनोट कर रहा है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर लिख दे रहा हूं मैं एन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पी यहां पे नंबर ऑफ होल्स है एन आई यहां पे एंट्रेंसिक चार्ज कंसेंट्रेशन ठीक है तो आप यहां से देखो कि एन पी और एन आई क्या क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अब देखो ये एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई लिखा है मैंने ये किसके लिए लिखा है इंट्रेंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टर के लिए तो जो सेमीकंडक्टर होता है ना सेमीकंडक्टर बेसिकली जो है एक बाईपोलर डिवाइस है बाईपोलर डिवाइस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा और होल्स की वजह से भी होगा लेकिन जो हमारे कंडक्टर होता है कंडक्टर यूनिपोलर डिवाइस होता है आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो की वजह से होता है यहाँ पे हमारा फ्लो करंट का जो फ्लो है वो दोनों की वजह से होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और होल्स की वजह से और ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है क्योंकि हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लॉ ऑफ मास एक्शन जब पूछेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक चीज तो याद रख लेना कि भाई सेमी एक बाईपोलर डिवाइस है सेमी जो है हमारा इज अ बाईपोलर डिवाइस और उसका क्या रीजन है उसका रीजन ये है कि भाई करंट जो है करंट फ्लोज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ठीक है तो ये चीज आप याद रखिए इसके बाद इसके बाद हम आते हैं देखो जब सेमी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की बात कर ली हमने कि सेमी कंडक्टर ऐसा डिवाइस है प्योर सेमी कंडक्टर हमने पढ़ लिया है अभी और इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि एक रिलेशन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो ये है कि एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए इंटू टी इंटू ई की पावर माइनस इजी नॉट डिवाइडेड बाई के इंटू टी ठीक है ये हमारा रिलेशन है टी क्यू है तो एग्जाम में ये पूछा गया है कि इंटरेंसिक चार्ज कंसेंट्रेशन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है इंटरेंसिक चार्ज कंसेंट्रेशन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एन आई स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी क्यू के या फिर हम ऐसा कह लें कि एन आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी क्यू टी की पावर थ्री बाई टू पे तो एन आई का ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ था एग्जाम में और इस ऑप्शन को आप याद रखें ये ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम्स में दोबारा रिपीट किए जा सकते हैं क्योंकि आर ने जो सिलेबस उठाया है वो किसी और एग्ज़ाम का उठाया है और उसको आप जब ये सिलेबस किसी और एग्ज़ाम का उठा सकता है तो क्वेश्चन भी किसी और एग्ज़ाम का उठाया जा सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये एक फार्मूला है ड्राइव फार्मूला है आपको नहीं जानना कि ये कहाँ से आया ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है A जो है कांस्टेंट है के जो है यहाँ पे कांस्टेंट है कांस्टेंट ठीक है टी टेम्परेचर है इज़ इन केल्विन मैंने फिर कहा कि इसको हम लोग हमेशा केल्विन में ही लेंगे ठीक है तो ये आपका रिलेशन है जो एग्जाम में पूछा गया ठीक है इस चीज को याद रखेंगे इफ टेम्परेचर इंक्रीज विल सेमी कंडक्टर बिहेव एज कंडक्टर देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है एंड द दिस पॉइंट इज वैलिड कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सेमी कंडक्टर विल बिहेव एज कंडक्टर बिकॉज अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी को अटेन कर रहा है तो यस दिस इज करेक्ट कि इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर अ सेमी कंडक्टर देन इट विल बिहेव एज अ कंडक्टर इट विल बिहेव एज कंडक्टर ठीक है प्रदीप डेफिनेटली डेली क्लास लगेगी एंड जितने बच्चे हैं आप लोग uh, श्योर देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं यहां पे वो आर आर बी के एग्जाम के लिए बिल्कुल सटीक है बिल्कुल टू द पॉइंट है कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ाना है मैंने और कुछ भी कम नहीं पढ़ाऊँगा तो आप जब एग्ज़ाम देंगे ना अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है जब एग्ज़ाम आएगा एंड देर आफ्टर जो कंटेंट आप यहाँ से नोट करके ले जा रहे हैं आप देखना कि कितने क्वेश्चन इस कंटेंट से मिल जाएंगे मैं आपको डायरेक्टली मैंने आपको कहा ना कि एग्जाम में देखो अपना पढ़ाने का क्या बनता है कि अपन पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में कि किस पॉइंट पे इस चैप्टर से ज़्यादा फोकस किया हुआ है और फिर उस बेसिस पे अपने आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ तो ये एक बड़ा अच्छा सा तरीका है कि पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि एग्ज़ाम्स में जेई लेवल पे एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चन कौन से एरिया से कहाँ से पूछे जा रहे हैं ज़्यादा और फिर उस टॉपिक पे मैं फोकस करके आपको बता देता हूँ कि ये ये क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कई बार ये ऐसा होगा कि आपको नोट्स में जैसे आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा आप डायरेक्टली वो रिलेशन को पुट कर सकते हैं लेकिन कंडीशन ये है कि आप मेरे जितने भी लेसन्स हैं उनको आप ज़रूर से जरूर देखेंगे ज़रूर से ज़रूर अटेंड करेंगे एंड जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो वो करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे ठीक है तो आई वॉन्ट कि जितने बच्चे हैं यहाँ पे वो डेफिनेटली रोज आए क्लास में अगर आपको लगता है कि आपने एग्ज़ाम देना है लगता नहीं है अगर आपको एग्ज़ाम देना है फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम अगर देना है तो डेफिनेटली क्लासेस अटेंड करो दिन का एक घंटा यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप एक घंटा निकाल लेंगे तो आई एश्योर यू कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जब एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे या सी बी वन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इन नोट्स को एक बार रिवीजन कर लेना या हफ्ते में एक दिन रिवीजन कर लेना उससे भी आपका नुकसान नहीं होगा इससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट याद रहेंगे जब आप दोबारा बहुत दिन बाद उठाएंगे ना नोट्स तो आपको वो सब याद रहेगा हफ्ते में सिर्फ एक दिन एंड यू हैव टू गिव ओनली बस दो घंटे दे दो घंटे काफ़ी हैं अगर रिवीजन के लिए दो घंटे आप दे रहे हैं बहुत है मेन पॉइंट्स को बॉक्स में क्लोज कर लो जैसे मैं कर देता हूं उसी तरीके से नोट्स प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नोट्स आपके प्रॉपर हैं तो आप कभी भी अपनी स्टडी के टाइम को जो आपकी प्रिपरेशन के टाइम है उनको आप रिड्यूस करके एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हाँ, हो ठीक है हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई ना भाई वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई ठीक है तो आज आज जो है देखो इतना ही आज हमारे लिए इतना ही था टॉपिक में कल हम आ, अपने जो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर है एक इंट्रेंसिक तो पढ़ लिया हमने एक्सटेंसिक सेमी के टाइप्स को हम लोग पूरा पढ़ेंगे और मैं बताऊं कि कल का चैप्टर डेली really, जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे पहला लेसन तो इंट्रोडक्शन तो इंपॉर्टेंट होता ही है क्योंकि इंट्रोडक्शन आपने अगर नहीं पढ़ा ना तो आपका बहुत सारा पार्ट स्किप हो जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि दिस ये एक ऐसा चैप्टर होता है आज का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपके बेसिक्स को बिल्ड कर देगा एंड वंस एक बार बेसिक बिल्ड हो गया तो आप ये समझ लो कि आपका कोई भी चैप्टर आगे आने वाला कोई भी चैप्टर स्किप नहीं जाएगा आपको नहीं लगेगा कि ये बाउंस मार रहा है ठीक है ना तो आपने क्लास रोज अटेंड करनी है एंड रोज आना है ठीक है चलिए ठीक है तो कल मिलते हैं आज का लेसन यहीं पे रहने देते हैं कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लो क्योंकि टाइम हो गया है ना ठीक है चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको हम खत्म करते हैं आज तक आज के लिए और रिवीजन करके कल आएंगे फिर मिलते हैं हम लोग कल बाय बाय टेक केयर थैंक यू